समूचे महाराष्ट्र में बाजार समितियों के चुनाव संपन्न हुए तथा 12 मई 2023 को सभापति उपसभापति चुनाव होने से उत्सुकता का माहौल बना रहा। क्षेत्र के विधायक तथा पूर्व मंत्री सुनील केदार द्वारा किसे इन पदों की जवाबदारी सौंपते हैं? सावनेर बाजार समिति के सभापति व उपसभापति के चुनाव प्रक्रिया के नामांकन 12 मई को थी। सावनेर कृषि उत्पन्न बाजार समिति में केदारगढ़ के सभी 18 प्रत्याशी निर्विरोध चुन कराने से पूर्व मंत्री सुनील केदार द्वारा ही सभापति और उपसभापति के नाम तय होना निश्चित था, जिसके चलते पूर्व जिला परिषद उपाध्यक्ष मनोहर कुंभारे को सुनील केदार द्वारा सभापति हेतु रविन्द्र चिखले तथा उपसभापति हेतु डॉक्टर प्रकाश लांजेवार के नाम प्राप्त होते हैं। उन्होंने सभी नवनिर्वाचित सदस्य तथा पंचायत समिति के सभापति अरुणा ताई शिंदे, उपसभापति राहुल तिवारी, पूर्व जिला परिषद उपाध्यक्षा सुमित्रा ताई मनोहर कुंभारे, शेष राव रहाटे, वरिष्ठ नेता बैजनाथ डोंगरे आदि की प्रमुख उपस्थिति में उक्त दोनों नामों की घोषणा करते ही हर्ष का वातावरण निर्माण होकर नवनियुक्त सभापति उपसभापति को शुभकामनाएं देकर सुनील बाबू आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, ऐसे नारों से परिसर गूंज उठा। सावनेर बाजार समिति के नवनिर्वाचित सभी सदस्यों का पूर्व जिला परिषद उपाध्यक्ष मनोहर कुंभारे, सावनेर पंचायत समिति के सभापति अरुणा ताई शिंदे, उपसभापति राहुल तिवारी, वरिष्ठ समाज सेवी बैजनाथ डोंगरे आदि ने फूलमालाएं पहनाकर अभिनंदन कर उन्हें शुभकामनाएं दी। ज्ञात हो कि सहकार महर्षि स्वर्गीय बाबा साहेब केदार द्वारा नागपुर जिले समेत समूचे विदर्भ के सहकार क्षेत्र में रखी नींव इतनी मजबूत है कि उसे भेद पाने में भाजपा हमेशा ही नाकाम रही है, और वही परिपाटी पूर्व मंत्री तथा क्षेत्र के विधायक सुनील केदार बड़े ही बखूबी से निभा रहे हैं। इसी वजह से सहकार क्षेत्र के हर मोर्चे पर वो सफल हो रहे हैं तथा उन्हें ग्रामीण खेतीहर मजदूर एवं किसानों की जमीनी समस्याएं अवगत है और उनके निराकरण हेतु सुनील बाबू लगातार प्रयत्नशील रहने की बात मनोहर कुंभारे ने कही। बाजार समिति में निर्विरोध चुनकर आए प्रत्याशियों में सूरज नवले, मयूर जिजकार, चंद्रशेखर कुंभलकर, सुभाष राहटे, सुरेश केने, काशीराव पेठे, वैभवी पाटिल, मनोरमा चोपड़े, अशोक डवरे, दुर्वास लाखे, गुणवंत काड़े, रविंद्र चिखले, प्रकाश लांजेवार, प्रवीण झाड़े, विनोद जैन, जगदीश ठाकुर तथा श्रावण दुर्गवार का समावेश है। वहीं सामने कृषि उत्पन्न बाजार समिति के नवनियुक्त सभापति रविंद्र चिखले तथा उपसभापति डॉक्टर प्रकाश लांजेवार ने अपने नियुक्ति पर पूर्व मंत्री सुनील केदार तथा मनोहर भाव कुंभारे का आभार व्यक्त कर उन्हें जो जिम्मेदारी सौंपी गई है उस पर खरे उतरकर अपने दायित्वों को निभाने का आश्वासन दिया है। सावनेर कृषि उत्पन्न बाजार समिति के पूर्व सभापति विठोबा पावड़े के आकस्मिक निधन पर पूर्व मंत्री सुनील केदार तथा उपस्थितों ने शोक व्यक्त कर कृषि उत्पन्न बाजार समिति के सभागृह में चुनावी प्रक्रिया संपन्न होने के पश्चात 2 मिनट मौन धारण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर पूर्व पंचायत समिति उपसभापति प्रकाश पराते, पंचायत समिति सदस्य गोविंदा ठाकरे, ममता केसरे, जिला परिषद सदस्य ज्योति सिरस्कर, युवा समाज सेवी अश्विन कारोकार, अरुण चिखले, राकेश मानकर आदि समेत क्षेत्र के गणमान्य तथा किसान भाई सैकड़ों की संख्या में उपस्थित थे। उपसभापति की निवड आज त्या ठिकाणी होणार आहे आणि त्या अनुषंगाने या ठिकाणी जे नवनिर्वाचित संचालक मंडळ आहे त्या ठिकाणी त्या अनुषंगाने या ठिकाणी मीटिंग पार्टी मीटिंग या ठिकाणी बोलवलेली आहे। खरं तर सर्वात पहिले जिल्ह्यामध्ये सावनेर बाजार समिती साहेबांची केदार गटाची अविरोध आली आणि अविरोध आल्यानंतर पूर्ण जिल्ह्यामध्ये ज्या बाजार समितीच्या प्रतिनिधींच्या ज्या निवडणुका सहकार क्षेत्रामध्ये झाल्या त्या पूर्णच्या पूर्ण बाजार समितीच्या साहेबांच्या नेतृत्वामध्ये मोठ्या फरकानं त्या ठिकाणी निवडून आला आणि जिल्ह्यामध्ये सहकार क्षेत्रामध्ये साहेबांचा जो दबदबा होता बाबासाहेबांपासून यहाँ पे हमको आदरणीय सहकार महर्षि बाबा साहब केदार साहब के मार्ग जो उनके विचार थे और हमारे नेता आदरणीय सुनील बाबू केदार साहब आमदार इनका मार्गदर्शन लेके ही हमको कृषि उत्पन्न बाजार समिति का जो सावनेर और सावनेर के आजू बाजू में जितने भी खेती है सारे काश्तकारों का कहाँ हित जो पासा जाएगा उसके सारे उनसे कुछ आइडिया लिए जाएंगे और वो सारी चीज़ें जहाँ अच्छे से अच्छे हम काश्तकारों को क्या अच्छा देना चाहते वो हमारा प्रयत्न रहेगा। बिल्कुल पहलों की उनका तकरार का केंद्र लगेगा। अगर कृषि उत्पन्न बाजार समिति सावनेर में अगर किसी के साथ गैरव्यवहार होता है, कोई काश्तकारों के साथ उचित का न्याय नहीं मिल रहा है, तो 100% हम उनको हमारे कृषि उत्पन्न बाजार समिति के सभी नए संचालक मंडल, उपसभापति और पूरे प्रशासन के तरफ से मैं और केदार साहब की तरफ से मैं यहाँ पे गावी देना चाहता हूँ
कि हम 100% उनको अच्छे से अच्छा न्याय देने का प्रयत्न करेंगे और आप और ये कृषि उत्पन्न बाजार समिति पारदर्शक करके कैसी रहेगी उसका हम एकदम बिल्कुल आपको मॉडल देंगे कि सावनेर से ही पूरे महाराष्ट्र का मॉडल बनेगा। जो यहाँ पे यहाँ के कास्तक वो भी हम वहाँ पे एनालिसिस करेंगे और यहाँ के जो प्रशासन जो भी है और हम कुछ चेकपोस्ट भी लगाना चाहेंगे कि जहाँ वहाँ से जो भी हमारे यहाँ मंडी में जो भी माल आता है वो कौन से दर्जा का आता है और हमारे यहाँ के जो स्थानीय यानी सावनेर तालुका कृषि उत्पन्न मंडी की जो कार्य क्षेत्र है वो कार्य क्षेत्र में का जो माल है उसमें उचित भाव कैसा दिया जाएगा उसका 100% हम यहाँ पे काम करेंगे। कुछ CCTV कैमरेज भी हम को लगे हुए हैं, कुछ और अपग्रेड कराएंगे और जो बाबा साहब ने जो स्वप्न देखा था कि एक सहकार क्षेत्र आनंदित और प्रफुल्लित रहे वो कंटिन्यू हम सामने लेके जाएंगे, उनके विचार सामने लेके। NBCN न्यूज के लिए सामने से किशोर ढूंढेले की रिपोर्ट।